कांग्रेस अध्यक्ष ने आज एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ नेता, महासचिव, इंचार्जेस, सीएलपी और पीसीसी के सारे नेता उपस्थित थे। अपने उद्बोधन में कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा, शुरुआत की अर्थव्यवस्था को, जो हालत देश में आज अर्थव्यवस्था की है, उस पर विस्तार से उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस पर बताएंगे, पर चिंता उन्होंने अर्थव्यवस्था पे जताई और नौकरियों की जो इस देश में हालत है, लोग नौकरी पाने के बजाय लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट गया है, और जैसे कि वेणुगोपाल जी ने कहा, एक जो वेंडेटा, एक राजनीतिक द्वेष की वजह से ये सरकार काम कर रही है, और दूसरा जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनके खिलाफ मुकदमे होते हैं, उनके खिलाफ दबाव दिया जाता है, या तो उनको अपने पार्टी में बुलाकर सारी चीजें समाप्त कर दी जाती, जैसे कि आप पूरे रोजाना इन चीजों को देख रहे हैं। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात की, जिनकी लड़ाई इस देश को आजादी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, वो तो देश के पिता ही ना हो, महात्मा गांधी जी हों, सरदार पटेल जी हों, आदरणीय अंबेडकर जी हों, इनका योगदान जो इस देश में रहा है, उनको ये पार्टियां अपनी बताकर उनकी विचारधारा से लोगों को अलग करके करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अर्थव्यवस्था पे पूरा जो डेटा है उसके सामने लोगों से नेताओं को बताया, उसका पूरी जो उनका उद्बोधन है उसको आपके हम आपको डायरेक्टली भेज देंगे। उनके पूरे उद्बोधन में मुख्य चीजें जो उसमें थी कि पहले जो सबसे जरूरी है कि आज की जो सरकार है उसको ये मानना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। जब तक जो दिक्कत अर्थव्यवस्था में देश में है, जब तक सरकार उसी को नहीं मानेगी, तब तक सुधार नहीं हो सकता। जब तक आदमी जो दिक्कत है, जो दिक्कतें हैं अर्थव्यवस्था में, उसी को नहीं मानेगा तो सरकार कैसे उसके लिए ठीक काम कर सकती है। उनका उद्बोधन आपके पास भेजा ही जा रहा है, पर साफ तौर पे दो चीजों पर मैं उनकी बातों को कहना चाहता हूं कि रियल इस्टेट की उन्होंने बात की कि सिर्फ 8 मेट्रोपॉलिटन शहरों में, 8 जो हमारे बड़े शहर हैं उसमें 4.5 लाख आवास बनकर तैयार हैं, पर ना उनका लेने वाला कोई है, ना उनको कोई खरीदने वाला है। तो जिस तरह की हालत रियल इस्टेट में है, उसके वजह से कितनी दिक्कतें और कितनी नौकरियां लोगों को खोनी पड़ रही हैं। उन्होंने रुपए की बात करी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि रुपए तो गिर रहा है, रोजाना डॉलर के हिसाब से गिर रहा है, उसका फायदा भी ये सरकार नहीं रहती, क्योंकि जब रुपया डॉलर के खिलाफ गिरता है तो एक्सपोर्ट्स में आपको फायदा अवश्य मिलता है, परंतु एक्सपोर्ट्स भी रुपया के गिरने के बावजूद डॉलर से रोजाना, उसका जो फायदा एक्सपोर्ट्स में मिलना चाहिए वो एक्सपोर्ट्स भी रोजाना इस सरकार में गिरते जा रही है, उसका फायदा ये सरकार हमारे एक्सपोर्टर्स को नहीं दे पा रहा है। जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि सारे नेताओं ने इस डिस्कशन में चर्चा की और 32 लोगों ने अपनी राय इस सरकार में रखी, सोनिया जी ने एक चीज और साफ तौर से कहा कि नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सिर्फ सोशल मीडिया या ट्विटर पे काम नहीं करना पड़ेगा, पर देश की जनता और गांव तक और गरीब तक पहुंचने की जरूरत है, और एजुकेशनल प्रोग्राम्स करना उतना ही महत्वपूर्ण या और भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता साफ तौर से गांव और गरीब पे और जो दिक्कतें हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम करना अनिवार्य है। जैसे कि कहा गया कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए चर्चा हुई और साफ तौर पे ये कहा गया कि जितने पीसीसी डेलीगेट्स हैं अपने प्रदेशों में, पीसीसी डेलीगेट्स की एक मीटिंग बुलाकर
उस पर इकोनॉमी पर, किस तरह की अर्थव्यवस्था पे इस देश पे मंडी पड़ी हुई है और किस तरह नौजवानों के लिए रियल इस्टेट में सारे किसानों पर, बेरोजगारी पर किस तरह का हमला हो रहा है, इसके खिलाफ एक आवाज उठाकर कांग्रेस के सारे डेलीगेट्स पीसीसी के बुलाकर उसमें वरिष्ठ नेता भी उस मीटिंग्स में उपस्थित होंगे। और जैसे कि आपने कहा, उस ये ही 15 से लेके 25 तक अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा एजिटेशनल प्रोग्राम पूरे देशव्यापी कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। सितंबर 15 सितंबर से 25 सितंबर, अक्टूबर 15 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक वही पीसीसी के डेलीगेट, पीसीसी डेलीगेट्स कॉन्फ्रेंस होगी वहां, हर प्रांत में होगी। साफ तौर पे दूसरी मेंबरशिप की बात, उसके बाद दूसरा जो एजेंडा, पहला जो एजेंडा था वो 2 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी हर स्टेट कैपिटल पर एक बड़ा पद यात्रा, 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी जी के नाम को लेकर बड़ी, जिसमें सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे 2 तारीख से लेकर, और उसको 9 तारीख तक जिले और ब्लॉक लेवल तक भी पीसीसी करवाने का काम करेंगे। दूसरी जो चर्चा हुई थी वो मेंबरशिप ड्राइव को लेके हुई थी, और मेंबरशिप ड्राइव के लिए ये निर्णय लिया गया कि 2 तरह के इस बार मेंबरशिप होंगे। एक जो हमारा पुराना तरीका था कि जो पेपर से होता था, जो कागज भर के हम करते थे, और इस बार उसमें हमने ऐड किया है डिजिटल मेंबरशिप भी कांग्रेस पार्टी करेगी। उस पर जोर दिया गया कि जो नेता हैं, जो बड़े नेता भी हैं, उनको अपने बूथ पर कम से कम जाकर मेंबर बनाने की निर्देश दिए गए। सारे वरिष्ठ नेता भी जाकर मोहल्लों में मेंबरशिप ड्राइव को शुरू करेंगे। और पहले जैसे मैंने कहा कि मेंबरशिप ड्राइव में पेपर का, कागज का भी जैसे पहले होता था, और इस बार डिजिटल के लिए भी हमने एक ऐप लॉन्च करेंगे जिसके माध्यम से ये काम हो सकेगा। तीसरी चीज जिस पे चर्चा हुई, ट्रेनिंग पर, क्योंकि आज कंटेम्प्रेरी, जैसे विनु जी ने कहा कि कंटेम्प्रेरी आज देश में एक जो राष्ट्रवाद का एक नारा दिया जा रहा है, जो धर्मनिरपेक्षता का एक नारा दिया जा रहा है, जो हमारे सिद्धांत और देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रविधान में लिखे हैं, उनको लोगों को जाके जागरूक करने की जरूरत है। कि और जो हमारे ये एक्सटेंसिवली पहले भी चलते आया है ये कार्यक्रम, परंतु ये ईयर लॉन्ग प्रोग्राम रहेगा, सिर्फ नहीं जब इलेक्शन आते हैं या मेंबरशिप के ड्राइव आते हैं, ये हमेशा के लिए शुरुआत होगा। और इसमें लोगों को बनाकर ट्रेनिंग कंटेम्प्रेरी चीजों पर, और जिस तरह का, इस तरह का एक जो गलत धारणा लोगों के बीच में, देश में डाला जा रहा है, उसको साफ तौर से उस पर चर्चा की जाए। कोई सवाल हो आपके तो पूछ सकते। देखिए, जैसे कि आज निर्देश हुआ है, जरूर वो बिल्कुल जाएंगी, वो 2 अक्टूबर में भी पदयात्रा में काम करेंगी, उसमें मार्च में रहेंगी, और मेंबरशिप ड्राइव में जब वो स्वयं कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं, तो जब सारे नेताओं को निर्देशित किया गया है, तो वो भी अवश्य मेंबरशिप ड्राइव में हिस्सा लेंगी। नहीं देखिए, मैंने आपको कहा कि ये जनरल सेक्रेटरी सीएलपी और पीसीसी सीएलपी और महासचिवों की मीटिंग थी, और उन्हीं लोगों को आमंत्रित इस मीटिंग में किया गया था। गुलाम नबी आजाद जी महासचिव है ना सर, और प्रधानमंत्री जी ऐसे मीटिंग में, हर मीटिंग में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, और जब और इकोनॉमिक जो हमें अर्थव्यवस्था पे बात करना, उनसे बड़ा अर्थव्यवस्था के बारे में कौन कह सकता है। 2 ही पॉइंट मैंने आपको बताया, 1 रुपए के बारे में, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए तो वो घट रहे हैं, तो एक यही पॉइंट जो उनकी जो पहचान एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में है, तो वो सारे नेताओं को इकोनॉमिक दृष्टिकोण पे उन्हीं ने चर्चा की, जिसका वीडियो हम आपको अपलिंक कर रहे हो। व्हाट
what has been decided completely is that we have to go and make as many members as we can, and what has been stressed today very clearly that they should be genuine members, and it will also, because there'll be a form to fill, it will not only be a membership drive, it will also be collecting. When you go and meet the person in his village, at his home, we will also get other forms to fill in, and it will be a more genuine membership. Just by giving a missed call, you make a member, you know nothing about him. It is a more genuine drive of reaching out to the real grassroots and worker who is still influenced by the idea of the Congress Party. हमारा कार्यक्रम हम नई पार्टी नहीं है. हमारे लोग जो इस देश में साइकिलों पे लेके जो इस देश में जिन्होंने लड़ाई की है स्वतंत्र बनाने के लिए, तब से कांग्रेस पार्टी के लोग गांव में जाकर लोगों को प्रेरणा देते आए हैं. उसी चीज को हम लोगों ने फिर से जारी की है. हम कहीं और से हमें सीखने की जरूरत नहीं है. हम लोग बहुत पुरानी पार्टी है और ये जितने काम है ये हम पहले से करते आ रहे हैं. जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि कंटेम्प्ररी में नई नई चीजें जो आज एक बताया जाता है कि नया राष्ट्रवाद जो चल रहा है, नई धर्मनिष्ठता है, जो देश की मूल सिद्धांत है, वो जो आज से नहीं कई वर्षों से कई सैकड़ों सालों से चली आ रही है, उसको हमको कायम रखना है और लोगों को उसको कंटेम्प्ररी चीजों से जानकारी देने की आवश्यकता. आपसे एक सूचना साझा करनी है कि 4:30 बजे एक कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन सीनियर लीडर्स का इलेक्शन कमीशन जाएगा और आप वहां चलेंगे तो मुद्दा बताया जाएगा आपको. तो आप सभी का निमंत्रण है कि आप वहां आए 4:30 बजे.